नोच नोच कर तो हमारे आदमी तुम्हें खाएंगे। मैंने फैसला किया है, आज 15 अगस्त के दिन मैं इस देश को बर्बाद कर दूंगा। आज वो दिन हमारे और तुम्हारे सामने है। प्रलय वन आउट, रेडी फॉर टारगेट। देखा ब्रिगेडियर, यह है मेरी जंग की शुरुआत। अब तुम सबके सामने ये मेरे तीनों मिसाइल्स ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ कमांड को खत्म करेंगे और हिंदुस्तान पर विदेशी हुकूमत का झंडा लहराएगा और इस देश की बर्बादी तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। ये देखो, खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। तुम दोनों में से कोई भी अपनी जगह से हिला तो दोनों कैबिन रिमोट कंट्रोल से उड़ा दूंगा। खबरदार, हिलो में भूल कर रख दूंगा। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था। अगर कहीं भूले से हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर राख हो जाते गेंडा स्वामी। जलकर राख कौन होगा, इस बात का पता तुम्हें अभी चल जाएगा ब्रिगेडियर। प्रलय वन स्टार्ट। तीसरा, सब मिसाइल चालू कर दो। प्रलयनाथ जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन पता नहीं क्यों एक भी मिसाइल टेक ऑफ नहीं हो रहा। गार्ड्स, इसका टेक ऑफ कर दो। हमारा वो पाइप डायनामाइट से भरा हुआ था। हम जानते थे कि तुम कभी ना कभी हमारे हाथ से छीन कर उसे फेंकोगे। उसी के धुएं की आग लेकर हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी। फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। बाकी बचे तुम गेंडा स्वामी, उसे तो हम निपट लेंगे। भून डालो इसे।